हाय फैमिली, आज हम बनाने जा रहे हैं हरे मटर का दाल। ये हम मटर लिए हैं, एक कटा हुआ प्याज लिए हैं, एक टमाटर लिए हैं कटा हुआ, चार हरी मिर्च लिए हैं कटा हुआ, ये अदरक लहसुन का पेस्ट लिए हैं, दो तेजपात लिए हैं, थोड़ा सा दालचीनी लिए हैं, जीरा लिए हैं एक चम्मच छोटा चम्मच से, एक चम्मच छोटा चम्मच से लाल मिर्च, एक चम्मच हल्दी पाउडर, ये हींग लिए हैं। चलिए गैस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम हरे मटर को उबालने जा रहे हैं, हल्का सा पानी डाल के, ज़्यादा पानी नहीं डाल रहे, इसको ढक के तब तक इधर उबाल रहे हैं, तब तक इधर हम मसाला भूज रहे हैं। अब हम इस पे पतीला बैठाएंगे, थोड़ा गर्म होने के बाद हम इसमें तेल डालेंगे। अब इसमें हम तेल डाल रहे हैं, पहले हम इसमें अब जीरा पहले हम इसमें हम जीरा डालेंगे, दालचीनी डाल देंगे, दो तेजपत्ता डाल देंगे, हल्का सा इसमें हींग डाल देंगे, इसे मिर्चा डाल रहे हैं, प्याज डाल रहे हैं, इसको हम चलाएंगे। इसको हम सुनहरे होने तक पकाएंगे, दो तीन मिनट के लिए। इसमें अब हम अदरक डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट, इसका भी एक मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। अब हम हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट, इसमें हम अब टमाटर डाल दिए हैं, धीमी आंच पे इसको ढक देंगे, ऐसे दो तीन मिनट के लिए पकाएंगे टमाटर को भी। चलिए अब हम देखते हैं हमारा टमाटर पक चुका है या नहीं। हमारा टमाटर पक चुका है, अब इसमें हम हल्दी मिर्चा डालेंगे। देखिए अब हम इसमें हल्दी मिर्चा डाल रहे हैं, हल्दी मिर्चा डाल के अब इसको हम चलाएंगे। इसको चला के इसको भी दो मिनट तक पकाएंगे हम धीमी आंच पे, हाई आंच पे करेंगे तो जल जाएगा, इसलिए धीमी आंच पे पकाएं। चलिए अब हम देखते हैं हमारा मसाला पक चुका है या नहीं। हमारा मसाला पक चुका है, देखिए अब हम इसमें मटर डालेंगे। उबला हुआ मटर, हमारा मटर उबल गया, इसको हम चलाएंगे। अब हम इसमें नमक डाल रहे हैं स्वाद अनुसार, अब इसको हम ऐसे चला के दो मिनट तीन मिनट तक पकाएंगे मटर को ढक के। तब हम ढक दे रहे हैं, दो तीन मिनट मटर को पका लें। अब हम इसमें पानी डालेंगे, इसमें अब हम पानी डाल दे रहे हैं।
इसको अब हम ढक देंगे 5 से 6 मिनट तक कि हमारा दाल पक। चलिए अब देखते हैं हमारा दाल पक चुका है या नहीं। देखिए हमारा दाल पक चुका है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप भी एक बार बनाकर ट्राई करें हरा मटर का दाल। अब हम गैस को बंद कर दे रहे हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तब तक हम दूसरे वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।